लाइन तैयार की जा रही है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। हमारा जो ये एजेंडा हमने तैयार किया है, लगभग 3 महीने से इसके ऊपर डिस्कस चल रही है। भाई विकास है, भाई दिनेश है, और भी बहुत से संगठन काफी लंबे समय से, चाहे स्टूडेंट का, चाहे वो यूथ का है, या कोई और सामाजिक संगठन है, लगभग 20-25 संगठनों के लोग कई बार डिस्कस करके सलाह करते हैं। हमने इस एजेंडे को तैयार किया है, एजेंडा अभी पूरा तैयार किया है। जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे उसमें और चीजें भी शामिल होती रहेंगी, जो जिन भाई ने जो सुझाव दिए हैं वो उसके स्टेप ना शामिल हो सकता है, आगे जाएगा वो शामिल हो सकता, क्योंकि हम नहीं तेजी दे सकते। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, अब 3 बातें निकल के आई है, और जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें लगभग हर जगह 3 बातें ही निकल के आती हैं। एक तो जो इस बार इन्हें बात कही पोस्ट फैसला, वे संयुक्त मोर्चा कोई पोस्ट फैसला नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात भाई विकास ने भी क्लियर कर दी, भाई जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार हमारे जो बुजुर्ग जगह जगह धरनों पर या पोल पर बैठे उनके अनुसार चलेंगे, उससे बाहर कोई बात नहीं होगी, कोई किसी तरह की लीक नहीं पाड़ी जाती। अब जो ठोस फैसले वाली बात है, जब तक हमें 4-5 डिस्ट्रिक्टों का इसको लेकर के चले थे, लगभग ये पूरा हरियाणा का मतलब प्लेटफार्म तैयार होने जा रहा है, मतलब लोगों ने जब देखा इस चीज को, अपने आप लोगों में फोन आने शुरू हो गए, जो युवा लोग जुड़े हुए हैं, जैसे इस भाई ने बात कही, हर जगह से यही बात आती है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एक प्लेटफार्म के रूप में तैयार नहीं होंगे, वे विकास भाई है वहां बैठे है, संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर है, वे कम से कम हम इतने मजबूत और संगठित हों, वे विकास इतना मजबूत तो हो गए अपनी बात वहां रख सके, अपने सुझाव वहां तक पहुंचा सके, पहले इस चीज के लिए तो आपने तैयार और संगठित होना पड़ेगा। दूसरी बात भाई साहब ने कही थी, वे एक लीडर, सही बात कही, वे भुगत भोगी है सारे लगभग सबसे मजबूत लंगर के रूप में लंगर चलाया बैठने जाओगे, लस्सी की व्यवस्था लगातार सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो साथी अलग अलग गांव से आए हैं, सभी भाई बहनों का धन्यवाद स्वागत है। भाई कृष्ण चौकन जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनसे यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं, उसके साथ में भाई अमित कसों हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। आप सारे के सारे पहुंचे जो जागरूक साथी यहाँ आए हैं, इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि इस मीटिंग का जो है उद्देश्य ये है, थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, 11 महीने हो गए 26 तारीख को। किसान आंदोलन के 2 पहलू, सिक्के के भी 2 पहलू, फिर किसी बात के भी 2 पहलू। बड़े विद्वान ने कहा कि जब भी चर्चा करो तो 2 पहलुओं को करो, अगर अंधेरे की चर्चा कर ली चलने की नहीं करी तो अंधेरे का क्लियर नहीं बचा, इसलिए 2 पहलुओं के ऊपर चर्चा करने के लिए इस आंदोलन के फायदे बहुत हैं। भाई कृष्ण के साथ चर्चा भी कर लेते, इस आंदोलन के फायदे बहुत हुए हैं, लेकिन अगर हम राम की तरफ देखें, रामायण की तरफ नहीं देखा,
अगर हमने ये चीज नहीं देखी है तो हमको मूर्ति की जरूरत नहीं कर समय आंदोलन में कोई कमी अगर होगी उसकी कोई बीमारी अगर होगी उसका इलाज समय पर नहीं कराया गया वो भी आंदोलन को बहुत बड़ा घाटा होता है। इस आंदोलन की कमजोरी को मिटने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत हमने करी है। खट्टर टोल प्लाजा दो नाम